गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा स्लीप एपनिया के बारे में। देखिए, जो खर्राटे हैं इज अ कॉमन प्रॉब्लम। कभी कभी जो खर्राटे हैं वो बीमारी की श्रेणी में आते हैं। अगर आप रात में खर्राटे लेते हैं, बीच में आपकी सांस रुक जाती है, फिर सांस चालू होती है, तो बीच में ये जो सांस रुक जाती है इसे कहते हैं एपनिया। तो आप खर्राटे ले रहे हैं, बीच में आपकी सांस रुकी, फिर आप खर्राटे लेने लगे, फिर आपकी सांस रुकी, फिर आप खर्राटे लेने लगे, ये वास्तव में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कैटेगरी में आता है। तो जिस फेज में आप सांस नहीं लेते हैं उसे एपनिया कहते हैं। आज हम जो है स्लीप एपनिया इसके बारे में बात करेंगे। नो, कुछ फैक्ट है जिसे आपको समझने की जरूरत है। जो स्लीप एपनिया है या नींद के दौरान जो आपकी सांस रुक जाती है, ये एक जेनरिक टर्म है। ये बहुत सारे जो है डिसऑर्डर्स हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो नींद के दौरान जो आपकी सांस रुकती है, वास्तव में इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। ये किसी भी एज पे हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों को होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, इन मिडिल एंड एडल्ट जो पॉपुलेशन है, इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा होती है। नाउ अगर हम जो स्लीप एपनिया है उसको ध्यान से देखें तो इसके तीन ही मेन कारण हैं, या जो रात में सोते समय आपकी सांस रुक जाती है, इसके तीन मेन कारण हैं जो आपको समझने की जरूरत है। नंबर वन इज द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा जाना जाता है और जो सबसे ज्यादा ट्रीट किया जाता है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है कि आपकी जो सांस की नली है और गले का जो एरिया है, ये नामी नींद के दौरान ये पार्श या कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है बीच बीच में, जिसके चलते आपकी सांस रुक जाती है। और ये इस तरह की जो सांस रुक जाती है उसे अचानक नींद खुलती है, तब फिर आपकी सांस चालू होती है, इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दैट्स नंबर वन। नंबर टू पर आता है सेंट्रल स्लीप एपनिया, जो वास्तव में जो ब्रेन है, ब्रेन में जो सबसे नीचे का पोर्शन है जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके चलते सेंट्रल स्लीप एपनिया डेवलप हो जाता है। तो ये ब्रेन के यहां से आता है। नंबर तीन पर आता है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया, जो कभी कभी जब स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया अपीयर हो जाता है या डेवलप हो जाता है। देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। जो स्लीप एपनिया है इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम जो रात में आपको परेशान कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रात में आपको नींद के दौरान सांस रुक रही है, फिर नींद खुल जा रही है, फिर सांस में दिक्कत हो रही है, तो यह स्लीप एपनिया की ही बीमारी है। देयर आर अदर प्रॉब्लम्स आल्सो जिसके चलते रात के दौरान या नींद के दौरान आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है इनको ध्यान से देखें। नंबर वन इज द जनरल स्नोरिंग, जो सामान्यतः भी जो आप सांस लेते हैं उसमें जो खर्राटे लेते हैं रात में नींद के समय, तो जो सामान्य खर्राटे हैं कभी कभी सांस उनमें भी रुकती है, तो जनरल स्नोरिंग इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते बीच बीच में एपनिया आने की संभावना होती है। नंबर टू इज द कैटाथ्रेनिया, जो कैटाथ्रेनिया है वो वैसी कंडीशन है जिसमें स्लीप ग्रोनिंग होती है, जिसमें कभी कभी सांस बीच में रुक जाती है एंड जिसमें एपनिया डेवलप हो जाता है। नंबर तीन पर आता है अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम या UARS, जिसमें जो अपर एयरवे है जहां से हम सांस लेते हैं, इसमें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो या रेजिस्टेंस जो है ना एयर को जाने में ज्यादा हो, तो उसके चलते हल्की सी सांस में दिक्कत होती है एंड वो स्लीप एपनिया डेवलप हो जाता है। तो ये तीसरी प्रॉब्लम है। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी एपनिया होगा या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा तो जो प्रॉब्लम है वो गले में या इसी एरिया में होगी, लेकिन रात में सोते समय जो ऑक्सीजन के लेवल है वो कभी कभी लंग की प्रॉब्लम के चलते भी नीचे आ सकता है। मान लीजिए फेफड़े में कोई प्रॉब्लम है, पल्मोनरी कोई डिजीज है, आपको अस्थमा की बीमारी है, आपको COPD है, आपको करंट ट्यूबरक्लोसिस है या पहले ट्यूबरक्लोसिस रही है, जिसके चलते जो फेफड़ा है या लंग है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसके चलते भी नींद के दौरान आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, जिसके लिए अलग ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो जो इस तरह की प्रॉब्लम है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा गले की प्रॉब्लम के चलते हो, बट जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो हमेशा गला, टंग और इसी एरिया की प्रॉब्लम के चलते होती है। नो, जो इस तरह की जो पॉज होते हैं ब्रीदिंग में या जो इस तरह की सांस रुक जाती है उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, जो सिम्टम्स हैं उनको जरा एक एक करके आप ध्यान से देखिए, बिकॉज इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम, इट्स ए सीरियस प्रॉब्लम और ये बहुत सारी बीमारियों को सामने लेके चलता है, इसलिए इसको आपको समझने की जरूरत है। जब भी आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होगी तो आपकी जो स्नोरिंग है वो बहुत ज्यादा लाउड होगी, आपके जो खर्राटे हैं वो बहुत तेज होंगे,
वो बहुत इरेगुलर होंगे, वो इतने होंगे कि जो भी आसपास है वो वास्तव में उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होंगे। वास्तव में इस तरह की जो स्नोरिंग है वो ऐसी होगी कि जिस कमरे में आप सो रहे हैं दूसरे आदमी के लिए सोना मुश्किल हो जाएगा। ये इतने लाउड होते हैं कि अगर आप इस कमरे में सो रहे हैं तो दूसरे कमरे में सुनाई देते हैं, और ये इतने इरेगुलर होते हैं स्नोरिंग कि दूसरे आदमी को देखने से डर लगता है, क्योंकि बीच बीच में आपकी सांस बंद हो जाती है। ये जो सांस बंद होती है इसमें चोकिंग होती है, आप सांस के लिए गैस्प करने लगते हैं, तो देखने से ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें जान चली जाए, तो जो देखने वाला है वो डरता है इस पूरी प्रॉब्लम से, एंड वास्तव में ये आपके लिए भी बहुत खतरा है। ये जो इस तरह के जो पॉज होते हैं कि आप खर्राटे लेते हैं फिर सांस रुक जाती है, फिर जो ना आपकी सांस चालू होती है फिर खर्राटे लेते हैं फिर सांस रुक जाती है, ये आंखों से दिखाई देता है कि आपने खर्राटे लिए फिर आपकी सांस रुकी, सांस के लिए आपकी बॉडी ने जो ना एफर्ट किए या आपकी बॉडी ट्रबल में हुई फिर आपने जो ना सांस लेना चालू की, तो इस तरह के जो ये प्रक्रिया वो चलती रहती है। खर्राटा आया फिर सांस रुकी फिर सांस चालू हुई फिर खर्राटा आया फिर सांस बंद हुई, तो ड्यूरिंग स्लीप इस तरह के जो एपिसोड्स हैं वो चलते चले जाते हैं। जब इस तरह के एपिसोड्स होंगे तो आपकी बार बार नींद खुलेगी, और आपकी बार बार नींद खुलेगी तो बाय एंड लार्ज ऑब्जर्व किया जाता है कि आपको नंबर ऑफ काउंट्स जो आप यूरिन के लिए जाते हैं यूरिनेट करने के लिए जाते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा टीथ ग्राइंडिंग, जो लोग जो है ना सोते समय जो ना दांत घिसते हैं उसे टीथ ग्राइंड कहते हैं, या ब्रक्सिज्म कहते हैं, उसकी संख्या बढ़ जाती है। ये जो ना क्लेंचिंग भी होने की संभावना होती है जब आपको सांस नहीं आती है उसके दौरान। नाउ इसके बाद जब आप सवेरे उठते हैं तो व्हाट यू विल फाइंड कि आपका गला बहुत सूख रहा है, आपका जो माउथ है वो बहुत सूख रहा है, तो गले में बहुत सूखापन महसूस होगा, मुंह में सूखापन महसूस होगा। ये भी बात सही है कि रात में जो है ना जब सांस ऐसी रुकेगी आपकी अचानक से नींद खुल जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी धड़कन तेज हो गई है, तो जो नॉक्टर्नल जो पेल्पिटेशंस हैं या धड़कन बढ़ती है वो भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चलते होती है। इसके अलावा जो आपने खर्राटे लिए फिर आपकी सांस ली फिर आपके खर्राटे चालू हुए, इसमें आपको बहुत स्वेटिंग होगी या पसीना आएगा बहुत, तो नाइट स्वेट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसके अलावा जब आप इस तरह के खर्राटे लेते हैं उसके बाद सांस बीच बीच में रुकती है आपकी, तो आपको यहां से यहां तक जो सीने में जलन है इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो जो नॉक्टर्नल हार्ट बर्न है इज वन ऑफ द सिम्टम जो इस तरह की प्रॉब्लम लेके आता है। नो, जब आप खर्राटे लेते हैं आपकी सांस रुकती है, आपकी फिर सांस चालू होती है, आप फिर खर्राटे लेते हैं फिर आपकी सांस रुकती है, तो इस तरह का जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया चलता चला जाता है, उसके चलते आपकी जो नींद है वो बार बार खुलती है। जो बार बार नींद खुलती है तो तुरंत लग नहीं जाती है, तो आपकी जो नींद है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपको दूसरे दिन पूरे दिन नींद आएगी, तो जो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिनेस है वो भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चलते आ जाती है। ये बात सही है कि रात में अगर आपको इतने खर्राटे आएंगे, आपकी सांस बीच में रुकेगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो सवेरे आप सो के उठेंगे तो सिर में दर्द होगा, तो मॉर्निंग हेडेक इज अ वेरी कॉमन सिम्टम विद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एंड चूंकि आपके जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है रात में जब आप खर्राटे लेते हैं और सांस रुकती है, तो अगर लो ऑक्सीजन रहा ब्रेन में बार बार तो आपके जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या लर्निंग प्रॉब्लम्स, ये दोनों की दोनों डेवलप हो जाती हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होगा और लर्निंग की प्रॉब्लम भी सामने आएंगी। और चूंकि आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती है तो आप दिन भर इरिटेबल फील करेंगे। What you will feel that you are continuously irritable. जो भी आप काम करते हैं उसमें कंसंट्रेशन आपका पुअर होगा, आपका जो अटेंशन स्पैन है वो स्मॉल होगा, लंबे समय तक आप अटेंशन से काम नहीं कर पाएंगे। एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपको क्रॉनिक स्लीप एपनिया है या आपको लंबे समय ये प्रॉब्लम चलती चली जाती है तो आपके मूड बहुत डिस्टर्ब होंगे, एंड जो डिप्रेशन का इंसिडेंस है या डिप्रेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ज्यादा होगी। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एडल्ट्स में नहीं है, ये बात सही है कि मिडिल एज एंड जो ना एल्डरली पॉपुलेशन उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इसकी जो पॉसिबिलिटी या इसकी संभावना ज्यादा होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम बच्चों में भी होती है। अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो ग्रोथ अफेक्टेड हो जाएगी, अगर स्लीप एपनिया बच्चे में है तो ग्रोथ अफेक्टेड हो जाएगी एंड ग्रोथ पुअर हो जाएगी। देन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी एक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा बहुत उसका जो ना एक्टिविटी का लेवल जो ना इरेटिक हो जाता है और हाइपर एक्टिव हो जाता है बच्चा कभी कभी, तो ADHD वो डेवलप हो जाता है। साइंटिफिकली ये बात सही है कि अगर स्लीप एपनिया बच्चे को होगा तो उसकी जो नींद है वो रेस्टलेस होगी,
नींद उसकी प्रॉपर नहीं होगी तो एक रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग द स्लीप वो हमेशा दिखाई देगी। नाउ अगर हम स्लीप एपनिया के सिम्टम्स को समराइज करके ध्यान से देखें तो इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि अगर आपको इस तरह के खर्राटे आते हैं, बीच में आपकी सांस रुकती है, फिर आपकी सांस चालू होती है, फिर खर्राटे आते हैं, फिर सांस रुकती है, यह साइकिल ऐसा चलता चला जाता है तो आपकी बार बार नींद खुलेगी। आपकी बार बार नींद खुलेगी तो नींद डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि प्रॉपर आएगी नहीं तो इंसोमनिया डेवलप हो जाएगा। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर बार बार रात में इस तरह का होता रहा तो आपकी नींद चूंकि प्रॉपर नहीं होगी तो पूरे दिन आपको नींद आएगी, इसे कहते हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिनेस। नंबर तीन, चूंकि आपको रात में बार बार नींद खुलती रही और स्लीप एपनिया होता रहा कि सांस आपने प्रॉपर नहीं ली तो आपको सवेरे सिर में दर्द होगा। नंबर चार, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली रात में, क्योंकि आपको बार बार सांस रुकती रही, आप खर्राटे लेते रहे तो आपकी मेमोरी अफेक्टेड हो जाएगी और आपको लर्निंग प्रॉब्लम्स होंगी। नंबर पांच, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है और आपको ऑक्सीजन आपके ब्रेन को प्रॉपर नहीं मिल रही तो आप लगातार इरिटेबल फील करेंगे। इन इरिटेबल फील करने के अलावा आपका जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो नीचे आ जाएगा, आपको अटेंशन डेफिसिट हो जाएगी, इन आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो नीचे की तरफ जाएगी। साइंटिफिकली अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस चलते चली जाती है, रोज 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 आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको मूड डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे एंड डिप्रेशन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड डिप्रेशन इज ए पॉसिबिलिटी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो इस तरह की जो खर्राटे हैं जिनमें बीच में सांस रुक जाती है इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है इसके शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर इसको OSA करके भी लिखते हैं। इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इट्स ए सीरियस प्रॉब्लम और इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो बाय एंड लार्ज जो आप अगर वॉच करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्रेन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं जिनमें से डिप्रेशन भी एक प्रॉब्लम है। तो जो स्लीप एपनिया है अगर यहां पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के चलते डेवलप हो रहा है तो उसमें खर्राटे जोर से आएंगे, बीच में सांस रुकेगी, फिर सांस चालू हो जाएगी, फिर खर्राटे आएंगे और ये रात भर साइकिल चलता चला जाता है जिसमें बहुत लाउड जो है ना स्नोरिंग होती है, जोर के खर्राटे आते हैं। अगर इसके जो सिम्टम्स हैं इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।